हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डेस्ट एकेडमी। एमपी करंट अफेयर्स के वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं 10 से 18 सितंबर 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम अभी हाल ही में उद्यानगी महाविद्यालय रहली जिला सागर को पुनः प्रारंभ किया गया है। यह मध्य प्रदेश का कौन सा उद्यानगी महाविद्यालय है? यह मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यानगी महाविद्यालय है। दोस्तों, किसी कारणवश हम ये डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इस वजह से खेद है। हम आइए इसका डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2018 में सागर जिले के रहली तहसील में उद्यानगी महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। इस महाविद्यालय में 3 सेमेस्टर के शैक्षणिक सत्र भी पूर्ण किए गए हैं, किंतु कमलनाथ सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को राजनीतिक कारणों से महाविद्यालय का संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत उद्यानगी महाविद्यालय रहली पुनः संचालित करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश का पहला उद्यानगी महाविद्यालय मंदसौर में स्थित है। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में 6 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। उसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में उद्यानगी महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। यह उद्यानगी महाविद्यालय मध्य प्रदेश का तीसरा महाविद्यालय होगा। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत तकनीकी प्रगति के लिए किस विश्वविद्यालय और क्रिप्स के मध्य MOU हुआ है? ये हुआ है आपका राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे की उपस्थिति में 9 सितंबर 2020 को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, क्रिस बोला जाता है इसे, के मध्य MOU हुआ है। ये MOU राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिप्स MOU से होने वाले लाभ की बात करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत छात्रों, शाखाओं तथा हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न पहल के माध्यम से विश्व स्तर की तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास के लिए यह निर्णय लिया गया है। दोनों संस्थान मिलकर तकनीकी लैब स्थापित करने वाले हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के बरवाई में अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम भव्य संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? बरवाई, ये मुरैना जिले में आता है, बरवाई स्थान है। यहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम भव्य संग्रहालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रावधानित पटवारी हलका स्तर पर 100 हेक्टेयर की बुआई क्षमता को घटाकर कितने हेक्टेयर किया गया है? ये हेक्टेयर किया गया है 50 हेक्टेयर किया गया है। 50 हेक्टेयर पर भी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वन ग्रामों के किसानों के साथ अन्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने बीमा योजना में प्रावधानित पटवारी हलका स्तर 100 हेक्टेयर की बुआई क्षमता घटाकर 50 हेक्टेयर करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में एनीमिक उपचार के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ये एनीमिक उपचार के मामले में सागर जिला प्रथम स्थान पर है। सागर जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एनीमिक महिलाओं के इलाज के मामलों में सबसे ज्यादा 14,763 एनीमिक महिलाओं के पंजीयन सागर जिले में कराए गए हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर मृग नयनी का शोरूम खोलने का निर्णय लिया गया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नागपुर में मृग नयनी शोरूम खोलने का निर्णय लिया गया है। नागपुर शहर के सिविल लाइन में भारत सरकार के पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के भवन में 25 सितंबर 2020 से मृग नयनी का शोरूम संचालित होगा। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा अभी तक 14 शोरूम खोले गए हैं मध्य प्रदेश एवं अदर स्टेट में, और ये 15वां मृगनयनी शोरूम होगा। मुंबई के पास स्थित मध्यालोक मध्य प्रदेश भवन, ये यहाँ पर मृगनयनी शोरूम खुला है। गुजरात के एकता माल केवड़िया, छत्तीसगढ़ के रायपुर और तेलंगाना के हैदराबाद, मध्य प्रदेश के जबलपुर, बैतूल, ग्वालियर के पाटनकर बाजार तराहा, होशंगाबाद, सागर, मंडीदीप, भोपाल के हमीदिया रोड, गोहरमहल और बल्लभ भवन में शोरूम खोले गए हैं। आने वाले समय में मृगनयनी के शोरूम में चंदेरी की साड़ी, मंदसौर की पशुपतिनाथ,
गौण पेंटिंग्स जबलपुर के संगमरमर से बना सांची स्तूप, सारंगपुर की बाग प्रिंट साड़ियां विशेष आकर्षक का केंद्र होने वाली हैं। मध्य प्रदेश में कहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगेगा? ये मध्य अभी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी मध्य प्रदेश में, ये होशंगाबाद में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद के बाबई मोहासा में 200 टन ऑक्सीजन उत्पादन करने की हरी झंडी दे दी है। मध्य प्रदेश में जन कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में जन कल्याण पखवाड़ा 16 से 23 सितंबर 2020 तक मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 16 सितंबर 2020 से जन कल्याण गरीब कल्याण सप्ताह कार्यक्रम के कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। यह श्रृंखला 23 सितंबर 2020 तक निरंतर चलेगी। 16 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के करीब 37 लाख ऐसे गरीबों की राशन का वितरण शुरू होगा जिसके पास पात्रता पर्ची नहीं है। अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में कितने बांस क्लस्टरों की वर्चुअल शुरुआत की है? मध्य प्रदेश में कितने बांस क्लस्टरों की वर्चुअल शुरुआत की है? ये 2 क्लस्टरों की शुरुआत की है, बांस क्लस्टरों की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों के 22 बांस क्लस्टरों में से मध्य प्रदेश में 2 क्लस्टरों की वर्चुअल शुरुआत 9 सितंबर 2020 को की है। मध्य प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारी अब किस बोर्ड के कर्मचारी होंगे? मध्य प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारी अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी होंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की टेंशन भी खत्म होगी। आरक्षित निधि में 200 करोड़ रुपए का फंड पेंशन के लिए आरक्षित होगा। कृषि मंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश के कमल पटेल हैं। भारत सरकार के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा के अंतर्गत राज्य स्तर पर सर्वोत्तम आत्मा जिले को प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? ये राशि दी जाएगी 1 लाख रुपए। ये भारत सरकार के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा के अंतर्गत राज्य स्तर पर सर्वोत्तम आत्मा जिले को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं द्वितीय जिले के पुरस्कार को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दिए जाएंगे। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले के 100-100 सर्वोत्तम कृषकों को 25,000 रुपए, प्रत्येक जिले के 5-5 सर्वोत्तम कृषकों समूह को 20,000 रुपए के पुरस्कार मिलेंगे। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 किसानों को सर्वोत्तम कृषक का 10,000 रुपए की राशि का भी पुरस्कार दिया जाएगा। अभी हाल ही मध्य प्रदेश में शहीद हुए वन कर्मचारी के आश्रित परिजनों को कितने रुपए से सम्मानित किया गया है? ये पिछले साल जो अभी वन कर्मचारी हुए थे, शहीद हुए थे, उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर 2020 को एक साल की अवधि में शहीद हुए 6 वन कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सम्मान पटका दी। ये एक्चुअल में किसी ये टाइगर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, लेकिन हम वैसे आपको बता दें जो भी वन कर्मचारी शहीद होते हैं तो उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये ध्यान रखें आप। इसमें क्या है, ये मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा इस वर्ष नए परंपरा की शुरुआत की है, इसी के तहत 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। मध्य प्रदेश में पिछले एक वर्ष के भीतर वन प्राणी सुरक्षा कार्य के दौरान हुई मुठभेड़, वन प्राणियों पर हमला, अग्नि दुर्घटना जैसी विषय परिस्थितियों में अपनी जान गंवाने वाले वन विभाग के नियमित शासकीय सेवक एवं अन्य श्रेणियों में वन विभाग के किसी इकाई से वेतन मासिक परिश्रमिक पाने वाले व्यक्ति की शहादत को मान्यता देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए शहीद हुए शासकीय सेवक, स्थायी अस्थायी कर्मचारी, व्यक्ति के परिवार को, प्रथम आश्रित को 1-1 लाख रुपए की राशि और सम्मान पटका देकर सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेशम कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया है? गृह प्रवेशम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 12 सितंबर 2020 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेशम का शुभारंभ 12 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,75,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेशम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही नरेंद्र नामदेव से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगरौली जिले के बेढ़न के ग्राम पंचायत गड़ेरिया के श्री प्यारेलाल यादव से बातचीत की। मोदी ने धार जिले के गुलाब सिंह आदिवासी से स्थानीय बोली में संवाद आरंभ किया। सीपरी जिले की किस विधानसभा क्षेत्र में सरकुला नदी पर डैम से लगभग 28 गांव सिंचाई की सुविधाओं से लाभान्वित होंगे? ये एक डैम बनेगा, वो भी सरकुला नदी, ये पोहरी विधानसभा, जो कि अभी ये उपचुनाव होना है। यहाँ पे सुरेश राठखेड़ा ने विधानसभा में अपना इस्तीफा दे दिया था, विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया था।
उसके अलावा ये उपचुनाव होना है और बड़ी मुश्किल है चुनाव जीतना। 226 करोड़ रुपए की लागत से सरकुला नदी पर बनने वाले डैम से पोहरी क्षेत्र के लगभग 28 गांव सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित होंगे और लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी। केंद्रीय कृषि पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा ये सांसद ज्योतिरादित्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ 11 सितंबर 2020 को लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया है। मध्य प्रदेश की एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश की एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लैब ग्वालियर में स्थापित है। आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राम किशोर काबरे ने 12 सितंबर 2020 को ग्वालियर स्थित ड्रग टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश की एकमात्र ड्रग टेस्टिंग लैब ग्वालियर में स्थापित है। शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी लैब भी ग्वालियर में स्थित है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर भीमबेटका का भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइनर बस शंखरा की लॉन्चिंग कब की? अभी हमने इसके बारे में थोड़ी बात भी की थी, 13 सितंबर 2020 को। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर भीमबेटका का भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी डिजाइनर बस श्रृंखला की लॉन्चिंग राजभवन में 12 सितंबर 2020 को की। मृगनयनी द्वारा पुरातत्वविद विष्णुधर बाकड़कर की स्मृति में प्रस्तुत भीमबेटका का संग्रह को तैयार किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महारतनगढ़ बृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है। इसकी अनुमानित लागत कितने रुपए है? इसकी अनुमानित लागत 228 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 13 सितंबर 2020 को महारतनगढ़ बृहद सिंचाई परियोजना से गोहद और मेहगांव क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार से 228 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सिंचाई सुविधा का शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 सितंबर 2020 को गोहद के गोलंबर तिराहे पर स्थापित की गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मध्य प्रदेश के किस जिले में करमदी नमकीन क्लस्टर स्थित है? करमदी, ये करमदी छोटी जगह है, नमकीन क्लस्टर ये रतलाम में स्थित है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा के अनुसार रतलाम के करमदी नमकीन क्लस्टर को देश के आदर्श क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव का आयोजन कब किया गया है? मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न महोत्सव का आयोजन अन्न उत्सव का आयोजन 16 सितंबर 2020 को किया गया है। 16 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित हुए 37 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और राशन वितरण कार्यक्रम के लिए अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में हितग्राहियों की पर्ची एवं राशन किट वितरित कर शुभारंभ किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का कुलपति नियुक्त किसे किया है? ये नियुक्त किया गए हैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का कुलपति नियुक्त किया गया है। श्रीमती पटेल ने यह नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत की है, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रोफेसर पांडे का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 4 वर्ष की कालावधि के लिए होगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले वन प्राणियों पर केंद्रित फोटो प्रतियोगिता का विषय क्या है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले वन प्राणियों पर केंद्रित फोटो प्रतियोगिता का ये विषय है वन्य प्राणी इनके रहवास में। राज्यस्तरीय वन प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के दौरान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में वन प्राणियों पर केंद्रित फोटो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसका विषय वन प्राणी इनके रहवास में रखा गया है। सबसे 3 फोटोग्राफ्स के लिए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के कार्यालय में 28 सितंबर 2020 के पहले जमा करना होगा। मध्य प्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भवन का शुभारंभ हिंदी दिवस पर किसने किया? ये इसके परिसर में एक भवन का शुभारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भवन का लोकार्पण पर राज्यपाल पटेल लोकार्पण कार्यक्रम में लखनऊ से शामिल हुई आनंदीबेन पटेल। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रामदेव भारद्वाज हैं।
अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के अंतर्गत भोपाल जिले की 14 सहकारी संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया गया है? ये किया गया है धारा 18(1) के अंतर्गत, धारा 18(1) के अंतर्गत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, थोक दवा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क किस जिले में बनेगा? थोक दवा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क ये बनेगा होशंगाबाद में। आत्मनिर्भर भारत के तहत मात्र मेडिकल डिवाइस पार्क, थोक दवा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क होशंगाबाद जिले में बनेगा। इसके लिए बाबई के आरी बगलौन बज्जरवाड़ा गांव की 1034 एकड़ जमीन पर चिन्हित की गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम को जमीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मेडिकल पार्क बनने में युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। होशंगाबाद जिले के बाबई मोहसा में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने 15 सितंबर 2020 को अनुमोदित कर दिया है। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की पोषण योजना के अंतर्गत विकसित होने वाले इस पार्क में आने वाली विनिर्माण इकाइयों की योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं मंत्रिपरिषद ने 15 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की बल्क ड्रग पार्क पोषण योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले इस पार्क में आने वाली फार्मा इकाइयों को योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने 15 सितंबर 2020 को भोपाल व इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा क्षेत्र गठित करने का निर्णय लिया गया है? ये क्षेत्र होगा महानगर क्षेत्र। ये महानगर क्षेत्र मतलब भोपाल महानगर क्षेत्र में भोपाल निवेश क्षेत्र और तथा मंडी निवेश क्षेत्र सम्मिलित होंगे। इंदौर महानगर क्षेत्र में महू निवेश क्षेत्र तथा पीथमपुर निवेश क्षेत्र को जोड़ा गया है। मेट्रो ये महानगर क्षेत्र मेट्रोपोलियन एरिया। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में 15 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2020 तथा मध्य प्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि समाधान विधेयक 2020 का भी अनुमोदन कर दिया है। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है? ये जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 270,08,00,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। ये दोस्तों 170 करोड़ है, सॉरी, ये इसका जी आंसर जो है वो पहला है 170 करोड़, ना कि बी और सी। ये मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 सितंबर 2020 को जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 170,08,00,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सागर जिले के जैसी नगर विकास खंड में बनने वाली इस परियोजना से 5,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। मध्य प्रदेश में रिट्रोफिटिंग योजना क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? रिट्रोफिटिंग योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रिट्रोफिटिंग योजना में छतरपुर जिले के गौरीहार विकास खंड में 34,61,000 रुपए की स्वीकृति लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग द्वारा जारी की गई है। इसमें सफल स्रोत निर्माण, विद्युत सबमर्सिबल पंपों की स्थापना, जल वितरण नलिकाओं का बिछाना एवं जोड़ना आदि कार्यों की प्रक्रिया मैदानी स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों के लिए मेंटल बैलेंस प्रोग्राम का प्रशिक्षण किस देश की स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिया जाएगा? स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट सिंगापुर की हैं। ये हम देखते हैं इसकी डिटेल। सिंगापुर के स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट सुश्री संजना करण मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा स्पोर्ट्स लीडर्स को मेंटल बैलेंस प्रोग्राम प्रशिक्षित करेंगी। यह प्रशिक्षण 21 सितंबर से 11 अक्टूबर 2020 के मध्य विभिन्न चरणों में वेबिनार के माध्यम से संचालित होगा। अभी हाल ही में अध्यात्म संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा विमोचित पुस्तक यथा समय के लेखक कौन है? यथा समय के लेखक ये है डॉक्टर उमाशंकर नगायच। ये आधुनिक संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने 15 सितंबर 2020 को जवाहर बाल भवन संचालक डॉक्टर उमाशंकर नगायच द्वारा लिखित पुस्तक यथा समय का विमोचन किया। पुस्तक यथा समय ऐसे शोध आलेखों का संग्रह है जिनका सृजन समय समय पर सामायिक आवश्यकता अनुकूलता को ध्यान रखते हुए किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मतदाता हैं? मध्य प्रदेश में वर्तमान में
ये 5.22 करोड़ मतदाता हैं, यानी 5,22,00,000 मतदाता हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अरुण कुमार तोमर के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 5.22 करोड़ यानी 5,22,00,000 मतदाता, जिसमें से 2,71,00,000 पुरुष मतदाता हैं एवं 2,51,00,000 महिला मतदाता हैं। 80 वर्ष से अधिक 6,32,669 मतदाता हैं। निःशक्त जन मतदाताओं की संख्या 5,07,748 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बात करें, श्रीमती बीरा राणा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशी अपना चुनाव खर्च आयोग द्वारा निर्धारित 28,00,000 रुपए की सीमा के निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने पात्र परिवार हैं? मध्य प्रदेश में ये फिगर 1,66,00,000, ये दोस्तों 1 करोड़, इसका डी आंसर सही हो जाएगा, 1,66,00,000, ये पहला आंसर नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नवीन जोड़े जा रहे पात्र परिवारों की संख्या 1,66,253 है, जिनके अभी नवीन जोड़े जा रहे हैं पात्र हितग्राहियों की संख्या 35,24,443 है। कुल लगभग 37,00,000 नए हितग्राहियों का नाम जोड़े जाने हैं, जिससे थोड़ी संख्या और बढ़ सकती है। अभी हाल ही में 37,00,000 नए हितग्राहियों को जोड़ने की ये किया गया था, जिसमें अभी बात करें तो एक और अभी 35,00,000 जुड़ गए हैं, ये 35,24,443 जुड़ के 1,66,253 हैं, 1.5 लाख के करीब और हैं, जिससे कि 1,68,00,000 अपने ये पात्र परिवार होंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। सभी नवीन हितग्राहियों को अन्य उचित मूल्य उपभोक्ताओं की तरह सितंबर माह से प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल तथा प्रति परिवार 1 किलो आयोडीन नमक 1 रुपए किलो की दर से मिलेगा। इस प्रकार प्रत्येक परिवार को 1.5 लीटर केरोसिन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा। इसके अलावा नए पुराने सभी उचित मूल्य उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत आगामी नवम्बर माह तक प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क गेहूँ चावल एवं 1 किलो दाल भी दी जाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। मध्य प्रदेश शासन ने किसे कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया है जो अध्यक्ष मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान के एवं महिला विकास प्राधिकरण हैं? उनका नाम है माखन सिंह चौहान, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। माखन सिंह चौहान को अभी हाल कैबिनेट मंत्री का स्तर का दर्जा दिया है, ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान और मेला विकास प्राधिकरण के। मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के कुपोषण को खत्म कर मौजूदा बाल मृत्यु दर 56 प्रति 1,000 से घटाकर कितने प्रति 1,000 तक लाने का लक्ष्य निर्धारित मध्य प्रदेश में किया गया है? ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 25 प्रति 1,000, समझिए आप, मौजूदा भी 56 प्रति 1,000 है, इसे घटाकर ये सभी प्रकार के कुपोषण शामिल है, घटाकर 25 प्रति 1,000 ये करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तर पोषण महोत्सव का शुभारंभ कब किया? ये शुभारंभ का ये किया है 17 सितंबर 2020 को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर 2020 को राज्यव्यापी पोषण महोत्सव के शुभारंभ के बाद दुग्ध वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत विशेष रूप से आंगनबाड़ियों में दुग्ध वितरण किया गया है। मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के उपार्जन में धान का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल है? मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के उपार्जन में धान का समर्थन मूल्य 1,868 रुपए है, जो कि इस बार खरीदी जानी है। खरीफ विपणन वर्ष में मध्य प्रदेश में 40,00,000 MT धान की संभावित खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य इस बार 1,868 यानी 1,868 प्रति क्विंटल है, जो गत वर्ष 1,825 रुपए था। इस बार मध्य प्रदेश में धान का बोया रकबा लगभग 34.25 लाख हेक्टेयर है। धान के उपार्जन की संभावित अवधि 1 नवंबर से 15 फरवरी तक होगी। इस बार मध्य प्रदेश के 19 जिलों में धान का उपार्जन मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम तथा 33 जिलों में मध्य प्रदेश विपणन संघ द्वारा किया जाएगा, यानी 19 ये आपका मध्य प्रदेश नागरिक
33 मध्य प्रदेश विपणन संघ। खरीफ उपार्जन 2020-21 के अंतर्गत फसलों के उपार्जन की पंजीयन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो रही है जो 15 अक्टूबर तक चलने वाली है। इस खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में 75,000 एमटी ज्वार एवं बाजरा का समर्थन मूल्य पर संभावित खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 60,000 मैट्रिक टन बाजरा तथा 15,000 मैट्रिक टन ज्वार के उपार्जन का लक्ष्य संभावित है। इस प्रकार ज्वार का समर्थन मूल्य 2,620 रुपए प्रति क्विंटल तथा बाजरे का समर्थन मूल्य 2,150 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। गत वर्ष यह क्रमशः 2,550 रुपए तथा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल था। ज्वार का बोया गया रकबा इस बार 1.13 लाख हेक्टेयर है। बाजरा का बोया रकबा 3.73 लाख हेक्टेयर है। दोस्तों हम बात करेंगे सेक्शन 2 के अंतर्गत एमपी करंट अफेयर्स वन लाइनर फैक्ट की। आईआईटी मद्रास द्वारा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विषय के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की गई जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए। ये 10 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस शामिल मतलब आयोजन किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी व्यवसाय एवं हाई स्कूल पूरक की परीक्षा आयोजित कब से कब तक की जा रही है? ये 14 से 22 सितंबर 2020 तक की जा रही है। सही समय पर ऊपरी आहार की शुरुआत और भ्रांतियां विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया है 10 सितंबर 2020 को। सही समय पर ऊपरी आहार की शुरुआत और भ्रांतियां विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व के किस वन परिक्षेत्र के अंतर्गत चरवाहा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? खटिया वन परिक्षेत्र है। 10 सितंबर 2020 को आयोजन किया गया है चरवाहा सम्मेलन। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख की बात करें राजेश श्रीवास्तव हैं। ये वन विभाग में सबसे बड़ी पोस्ट होती है। मध्य प्रदेश की सवारी वाहनों में दिव्यांगों के लिए किराए में कितने प्रतिशत छूट और आगे की 5 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है? 50% छूट के साथ 5 सीटें आगे की आरक्षित करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश शासन ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन किया गया है? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी कौन सी बनी है? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल बनी है 27 जुलाई 2020 से। राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधानसभा के कांग्रेस विधायक का आकस्मिक निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? गोवर्धन सिंह दांगी। राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह दांगी। किस पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा? सीपरी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। ये बात जो सीपरी से विधायक हैं और मंत्री वर्तमान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने इस प्रकार की घोषणा की है। हम बात करेंगे जो अभी चर्चा में टॉपिक है प्रगति तथा सक्षम छात्रवृत्ति योजना, इसके बारे में हम देखते हैं। ये वैसे केंद्र सरकार की योजना है लेकिन हम इसके बारे में देखते हैं। छात्रों को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने तथा विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रगति तथा सक्षम छात्रवृत्ति योजना लागू की है। दोनों योजना के तहत 50,000 रुपये की प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी जाने वाली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। अब इच्छुक विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रगति छात्रवृत्ति योजना के तहत स्नातक तथा डिप्लोमा करने वाली प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की छात्राएं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं। प्रगति छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतिवर्ष 10,500 छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है जिसमें 5,000 स्नातक स्तर के 5,000 छात्रवृत्ति डिप्लोमा के छात्रों को दिया जाएगा। सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे जो 40% विकलांगता के साथ तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। 8 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र इस योजना के तहत 50,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ये जन कल्याण कार्यक्रम चल रहा है, ये 16 से 25 सितंबर तक चल रहा है लेकिन 16 से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये
पहले 25 सितंबर थी, वैसे गरीब कल्याण पखवाड़ा जो मन रहा है वो 16 से 23 तक मन रहा है। वैसे 16 सितंबर पात्रता पर्ची एवं खाद्यान्न का वितरण होना है, इसे अन्न उत्सव का नाम दिया गया है। वहीं 17 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्रों में दुग्ध वितरण का आरंभ हुआ है। 18 सितंबर को फसल बीमा योजना के 4668 करोड़ है, वैसे 4600 करोड़ रुपए की किसानों के खाते में अंतरण की है। वहीं 19 सितंबर को वनाधिकार पट्टों को वितरण एवं पथ विक्रेताओं को ऋण राशि वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। 20 सितंबर को संबल योजना के हितग्राहियों के लिए कार्यक्रम है। 21 सितंबर स्वयं सहायता समूह के खातों पर 150 करोड़ रुपये जमा करना से संबंधित है। 22 सितंबर को मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम है। वहीं 23 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान योजना के हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड और 25 सितंबर को बिजली बिलों में रियायत तो ये तो दी जाएगी। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश उच्च शिक्षा सहायता योजना, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में इस वर्ष अनुसूचित जाति के 47 विद्यार्थियों का चयन विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हुआ है। चयनित विद्यार्थियों की पढ़ाई अब सरकारी खर्चे से होगी। पूर्व में इस योजना में 10 विद्यार्थियों की सहायता प्रदान की जाती थी, अब योजना में संशोधन कर प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थी योजना को लाभ दिया जा रहा है। चयनित विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क के रूप में वास्तविक शिक्षण शुल्क तथा अधिकतम $40,000 जो भी कम हो प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ ही चयनित विद्यार्थी को $1,000 आकस्मिक भत्ता और $9,000 निर्भय भत्ता का भी प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत है। हम दोस्तों बात करेंगे जो 9 सितंबर का वीडियो था और हम आपको ये 10 सितंबर से 18 सितंबर का ये वीडियो है और इसमें ये मेहर स्थित मां शारदा मंदिर में सतना के किस राजा ने पशु बलि पर 1922 में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। मेहर स्थित मां शारदा मंदिर, राजा ब्रजनाथ जूदे, सी आंसर सही हो जाएगा। सतना जिले की मेहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मेहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मेहर का मतलब होता है मां का हार। पूरे भारत में सतना का मेहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। मान्यता यह है कि शारदा देवी का मंदिर पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जूदेव ने पशु बलि को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया था। आज का क्वेश्चन, जिसे आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, अभी हाल ही में आदिवासी चित्रकला के लिए मशहूर किस जिले की निवासी बैगा महिला चित्रकार जुधैया बाई का नामांकन पद्मश्री के लिए किया गया है। सीहोर उमरिया मंडला अलीराजपुर में से एक आंसर सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। हमें किसी कारणवश से आपका ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, अब हम आपको डेली करेंगे। और दोस्तों हमने ये dashonlinedash.com पर बहुत अच्छे से हम उस पर बना रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम ये मतलब बहुत ही कम लेस प्राइस में, कम रुपयों में आपको अच्छी सुविधा मिलेगी। वहाँ पे आप PDF सारी डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। ये हम आपको अगले उसमें लिंक दे देंगे। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।